हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ टॉप 5 एप्लीकेशन जो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो ये जो सारी जो टॉप 5 एप्लीकेशन है वो मैंने प्ले स्टोर से निकाली है। टॉप 5 का मतलब ये नहीं है कि भाई रैंकिंग वाइज चलेगी कि पहले नंबर पे जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर वाइज है, रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो एप्लीकेशन है सारी अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। तो मैंने ये पूरा प्ले स्टोर जो अपना अपन ने बिल्कुल छान मारा है और उसमें से ऐसी 5 एप्लीकेशन है वो चुन के बाहर निकाली और खुद अपने फोन में इंस्टॉल करके उसको चला के थोड़ा बहुत एक दो दिन रिव्यू किया, उसके बाद फिर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और मैं एक दो दिन लेट भी हो गया वीडियो निकालने में इसी कारण, क्योंकि मैं एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा था हर किसी मैनर में। तो मैंने उन सबकी जो भी एप्लीकेशन बताऊंगा उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, तो आप वहां से डायरेक्ट टैप करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि आप इस ऐप को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे क्या यूज कर सकते हैं। मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक नीचे रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन, उसको प्लीज प्रेस करें ताकि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे मेरे फोन में जाना पड़ेगा, तो हम जंप करते हैं डायरेक्ट मेरे फोन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली एप्लीकेशन जो निकल के आती है वो आती है मेलोट वॉल्स करके। ये जो एप्लीकेशन है ये वॉलपेपर एप्लीकेशन है। आज के फोन जो है उनका स्क्रीन रेजोल्यूशन और स्क्रीन का डिस्प्ले वो है ऑलमोस्ट एमोलेड वगैरह जो आता है, और आपको उसमें डार्क और डीप ब्लैक मिल जाता है। तो उसके लिए आपको एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिसमें ब्लैक वॉलपेपर्स अच्छे से आपको मिल जाए। तो ये जो एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है, मेरे पास 1+6 है, उसका जो स्क्रीन है वो एमोलेड है और आपको उसमें ब्लैक डीप ब्लैक मिल जाता है। तो उसके लिए एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ। कैटेगरी वाइज भी है, जैसे ये कोई वॉलपेपर है तो मैं इस वॉलपेपर को इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ इधर से और उसको डायरेक्टली यहां से सेट भी कर सकता हूँ, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन। और जो आप वॉलपेपर अभी देख रहे हैं मेरी फोन की स्क्रीन पे, ये भी इसी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया गया है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो निकल के आ रही है वो आ रही है जस्ट AR करके। जो ये एप्लीकेशन गूगल के द्वारा डेवलप की गई है, इसमें आप AR ड्राइंग लाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक लाइन बनाई है जिसको मैं 360 में देख सकता हूँ, और कुछ सैंपल भी मैंने इसके बनाए हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो काफ़ी एंटरटेनिंग एप्लीकेशन है, इसको आप कई जगह यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन यूज़ करके आपको दिखाई है। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है और ये गूगल के द्वारा है, और आप ये पिक्सल में आई थी, पिक्सल के बाद ये सारे फ़ोन के लिए उन्होंने अवेलेबल कर दिया प्ले स्टोर पे, और फ्री में है ये एप्लीकेशन, तो आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सारी एप्लीकेशन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन जो निकल के आ रही है वो है एक स्क्रीन रिकॉर्डर। जो स्टॉक एंड्रॉयड आते हैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता है, जैसे मेरे पास वन प्लस सिक्स है, तो इसमें ऑक्सीजन OS में कोई भी इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं दिया है, और बाकी के जो स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट से वो भरे होते हैं। तो इसलिए ये ML करके एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, काफ़ी अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसमें आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, ये काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है और आप यहाँ से इसे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसका जो ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन जो है वो नेविगेशन बार में भी आता है इसका, एक जिसे आप खुद सेट कर सकते हो। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड अभी ऑन है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन सा जो है वो सिलेक्टेड आ रहा है। आप यहाँ से इसे स्टॉप और प्ले कर सकते हो, तो यहीं से आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे MIUI है और बाकी के फोन्स में देते हैं, वैसे आप स्टॉक फोन में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, तो इसे आप जरूर डाउनलोड करें और यूज करके देखें। चौथी जो एप्लीकेशन आती है वो आती है ऐसे लोग जो ट्रेन से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना रहता है। तो आज के टाइम पे जो ट्रेन्स होती हैं वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं चलती है, तो उसके लिए जो ये एप्लीकेशन है सबसे बेस्ट है। ऐसी एप्लीकेशन ट्रेन्स की लाइव स्टेशन दिखाने वाली एप्लीकेशन बहुत आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, बट ये जो एप्लीकेशन है ये सबसे बेस्ट है। ये आपको लाइव ट्रैकिंग वगैरह करके बताती है और एग्जैक्ट बताती है, क्योंकि मैं जितने बार भी गया हूँ मैंने इसी को यूज़ किया, पर्सनल यूज़ करके देखा है, और सबसे अच्छी एप्लीकेशन है ये। आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रेन का नाम या नंबर करना है तो आपको वो एग्जैक्ट बता देगा। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि उसमें आप सेलुलर अपने नेटवर्क को यूज करके लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो। तो आप अगर फोन की लाइव ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ये जो ऐप है वो सबसे अच्छी है। इस ऐप का नाम है वेयर इज माई ट्रेन करके, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो ट्रेन से बहुत ज्यादा सफर करते हैं।
लास्ट जो एप्लीकेशन हमारी लिस्ट की है वो है VHS कैमकॉर्डर जी। कैमकॉर्डर जो पुराने जमाने के कैमरास होते थे जिसमें आपको ग्लिचेस वगैरह मिलते थे, उस तरीके का आपको ये कैमकॉर्डर मिल जाएगा। बड़ा फन लविंग कैम एप्लीकेशन है ये। बिल्कुल ग्लिचेस वगैरह आप देख सकते हो, जो ग्लिचेस है उसको आप बढ़ा भी सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसका। ये फ्री में अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, उसकी भी लिंक मैंने दे के रखी है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसका एक सैम्पल वीडियो भी बनाया था जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो अभी। और ये थी कुछ 5 एप्लीकेशंस जिन्हें आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी एप्लीकेशन फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्लीज दबाइए, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।